हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मोहन भाकरे सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। मोहन भाकरे ने 1982 में आई मूवी अपराधी कौन से अपने बॉलीवुड डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में जावेद खान, रजा मुराद, दारा सिंह और टुनटुन शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 लाख रहा। भारत में कमाई 37 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 62 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी 6 मिनट रही। 1985 में मोहन भाकरे की मूवी आई चीख। इस मूवी के लीड कास्ट में यश शर्मा, रणधीर सिंह, आमला और रजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 लाख रहा। भारत में कमाई 18 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 32 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1987 में मोहन भाकरे की मूवी आई खूनी महल। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, सोमा आनंद, जावेद खान और रजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 लाख रहा। भारत में कमाई 33 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 56 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1988 में मोहन भाकरे की मूवी आई पांच फौलादी। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, सलमा आगा, जावेद खान, अमजद खान और दारा सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 75 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल मोहन भाकरे की मूवी आई कब्रिस्तान। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे मोहन भाकरे। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमंत ब्रिज, रजा मुराद, जगदीप, अमजद खान और जावेद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1989 में मोहन भाकरे की मूवी आई खूनी मुर्दा। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीप्रदा, दीपक, किरण कुमार, पुनीत और जगदीश शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 लाख रहा। भारत में कमाई 31 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 52 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर बी के दुबे की मूवी आई 100 साल बाद। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन भाकरे। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमंत ब्रिज, अमजद खान, सूरज चड्ढा और डैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 लाख रहा। भारत में कमाई 34 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 55 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1990 में मोहन भाकरे की मूवी आई अमावस की रात। इस मूवी के लीड कास्ट में टोनिका, किरण कुमार और जावेद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 लाख रहा। भारत में कमाई 18 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 33 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1991 में मोहन भाकरे की मूवी आई रूहानी ताकत। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीप्रदा, किरण कुमार और जावेद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1992 में मोहन भाकरे की मूवी आई इंसान बना शैतान। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, नीलम मेहरा, जगदीश और भारत कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 लाख रहा। भारत में कमाई 18 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 33 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1995 में मोहन भाकरे की मूवी आई पड़ोसी की बीवी। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपक प्रसाद, आशा सचदेव, पूजा सक्सेना और जावेद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 13 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। सन 2000 में मोहन भाकरे की मूवी आई वो बेवफा थी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुधीर, शीतल बेदी, किरण कुमार और मधु मल्होत्रा शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल मोहन भाकरे की मूवी आई अपराधी कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में राम आसरा, किशोर अरोरा, हेर, मोहन जोशी, किरण कुमार और रजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 28 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 47 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2005 में मोहन भाकरे की मूवी आई अब तुम्हारी बारी। इस मूवी के लीड कास्ट में टीना गुज्जर, दिव्या, रतन कुमार और टीना गई शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 12 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की मोहन भाकरे सर की बॉलीवुड में रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको मोहन भाकरे सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।